हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे हम लेकर आए हैं, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी को इस बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, नींद की कमी से हड्डियों पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव, करें पर्याप्त आराम। तो न्यूयॉर्क में जो INS मीडिया में जो छपा न्यूज़ है, नींद की कमी से जो है व्यक्ति मानसिक रूप से तो परेशान रहता ही है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नींद का संबंध तो बोन मिनरल्स डेंसिटी यानी कि BMD और ऑस्टियोपोरोसिस होने के उच्च जोखिम में भी जुड़ा हो रहता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और खुद ब खुद टूटने लगती है। अमेरिका की बफेलो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के लेखक हीदर ओच बालम ने कहा, हमारे अध्ययन से पता चलता है कि नींद हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जो खराब नींद के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की सूची में शामिल एक बड़ी समस्या है। तो इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 11,084 महिलाओं को शामिल किया और उनके नींद के समय का अवलोकन किया। इसमें कई ऐसी महिलाएँ थीं जो रात में 5 घंटे से भी कम सोती थी। शोधकर्ताओं ने इनके शरीर के BMD का स्तर बहुत कम पाया। BMD मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। तो उनके जो शरीर में काफ़ी कम था ये, और उनकी तुलना उन महिलाओं से की जो रात में कम से कम 7 घंटे तक सोती थी। बोन एंड मिनरल रिसर्च नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो महिलाएं 5 घंटे से भी कम समय तक सो पाती हैं, उनमें गंभीर स्तर का BMD और ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम होता है। तो नींद में कमी नहीं करना है, हम 5 घंटे से कमी तो करना ही नहीं है। यह चीज़ जो है अभी की यह रिसर्च में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसी ही महत्वपूर्ण बिंदु जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।